हम जब रायमंड से गए थे साहिवाल दौरा हदीस करने, तो हमारे उस्ताद साहब ने हमें फरमाया था, देखो तुम्हारी खता जो है ना, तुम्हारी खता पर ये नहीं कहा जाएगा तारिक जमील ने ये किया, तुम्हारी खता पर कहा जाएगा रायमंड वालों ने ये किया। तो तुम इस निस्बत को ना बदनाम ना होने देना, इसको नाम नहीं दे सकते हो तो बदनाम भी ना होने दे। के लोग जर्फ के लिहाज से इंतहाई छोटे हो चुके, तो वो एकदम निस्बतों को कोसना शुरू कर देते। तो तुम इस निस्बत को बचा ले, तुम्हें ये ना कोई कहे कि यही सीखा था तुमने कुरान पढ़ के, कुरान ना बदनाम हो जाए। एक अरब सरदार का घोड़ा था बड़ा आलीशान, सरदार था जोरदार, तो एक चोर को ना सूझ अब इसको चोरी कैसे करो, तो वो रास्ते में बैठ गया, वो गुजरा अरब सरदार वहां से, तो उसे कहा जी मैं मुसाफिर हूं, मुझे अपने साथ चढ़ा लें, बीमार हूं। का आ जाओ, का मैं तो बहुत माजूर हूं, आप नीचे उतर के मुझे ऊपर बिठाएंगे तो मैं बैठ सकूंगा, वैसे तो मेरे उठने की भी हालत नहीं। तो वो नीचे उतरा और उसने उसको सहारा दे के ऊपर बिठाया, तो उसने घोड़े को एड़ लगा दिया, घोड़ा तो चोर का साथी। तो उसने कहा अच्छा एक बात तो सुनते जाओ। कहा क्या? कहा किसी को बताना नहीं कि तुमने ये घोड़ा कैसे हासिल किया, वरना लोग जरूरतमंदों पर एतमाद करना छोड़ जाएंगे। तो उसको ऐसी शर्म आई कि उसने वापस आके घोड़ा उसको वापस कर दे। तो आज लोगों में जर्फ है कोई नहीं, वो एकदम एकदम पीछे पहुंच जाएंगे। अच्छा ये कुरान पढ़े तो यही तबलीग तो उन्होंने सबक देता है, चाहे सारा जुर्म अपना होगा। मैं बता रहा हूं 99.99% सास और सुसर ये कसूरवार होते, 1% लड़कियों का भी कसूर होता, कहीं लड़कियों का भी होता। लेकिन आप 50 साल उम्र हो गई और घरों में रहते हो गई, यही देखा है कि कसूरवार ससुराल वाले ही होते। वो हुदूद शरीयत को समझते नहीं, दखल अंदाजी करते हैं, फिर अपने घर को आग लगा के बैठ जाते। हमारे एक जिम्मेदार हैं हारून ये चिश्तियां चिश्तियां हारून आबाद की तरफ नहीं, वो और तहसील है, बावल नगर की तहसील है। हमारे मुफ्ती अहमद अली साहब जहां से हैं, मिंचनाबाद का बड़ा जिम्मेदार है, उसके 3 बेटे हैं, एक बेटा मेरा क्लास फेलो था, फिर वो फेल होता हुआ था मेरे छोटे भाई का क्लास फेलो बना, फिर वो खैर डॉक्टर बन गया। एक भाई बड़ा भाई वजीर है, छोटा वहां जिम्मेदार करता है, तीसरा आई स्पेशलिस्ट है बहावलपुर में। तो उसने अपने तीनों बेटों की शादियां की, तीनों को घर बना के दिए। आज तक उसने उनके घर में कदम नहीं रखा, ना अपनी बीवी को ना खुद, मिलना हो तो उन्हें अपने घर बुलवाता है। और ये क्या कहता है कि मैं मियां बीवी के ताल्लुक में दखल देना नहीं चाहता, कहीं इनकी जिंदगी हम ना खराब कर बैठे। अनपढ़ आदमी, बहुत बड़ा जिम्मेदार है, 3 चेले सबके लग गए, बस ये वो जो मेरा दोस्त था डॉक्टर उसके नहीं लगे, बाकी बाप के भी लग गए, भाइयों के भी लग गए। तो घर में नहीं जाता, कहते कहीं मियां बीवी का ताल्लुक मैं खराब ना कर दूं। अब इसके बरक्स फिर औलाद की तरफ से क्या मिला कि बाप जब डेरे में बैठा होता है तो उसके बेटे खड़े होते हैं, नौकरों के साथ खड़े होते हैं, बैठते नहीं, बाप के आगे बैठते नहीं है, जैसे नौकर खड़े होते हैं तो वो भी ऐसे खड़े होते हैं। एक बेटा वजीर है, मैंने अपनी आंखों से आपको देख के बता रहा, बाप है तो ऐसे खड़ा होता है उसके आगे, बैठता नहीं। वजीर और ज़कात का वो वजीर ऐसे होता। तो मैं इन सारी बच्चियों को ये कहूंगा कि बस तुमने सबर का जेवर लेके घर से निकलना है, जहां अल्लाह तुम्हें ले जाए, जहां तुम्हारा अल्लाह नसीब बनाए। एक तो ये अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे इल्म का सिलसिला जारी रखे, ये दौलत आगे मुंतकिल हो, आगे तकसीम हो, औरों तक भी पहुंचे,
और तुम आज की लड़की नाच भी तो रही है स्टेज पे, नाच के जिना की दावत दे रही है। ये बड़े बड़े बोर्ड पर भी लड़कियां ही हैं जो कपड़े उतार के कोई मोटरसाइकिल बेचने का जरिया बन रही है, कोई मोबाइल बेचने का जरिया बन रही है, कोई फ्रिज बेचने का जरिया बन रही है, कोई ये एयर कंडीशन बेचने का जरिया बन रही है, ये भी लड़कियां ही हैं। कोई स्टेज पे नाच रही हैं, कोई फिल्मों में नाच रही हैं, वो शर के फैलाने का जरिया बन। फहाशी का मुहर्रिक औरत होती है, जुल्म और सितम का मुहर्रिक मर्द होता है। अस्सारिक वस्सारिका, चोर मर्द चोर औरत के हाथ काटो। अज़ानियत वज़ानी, बदकार औरत बदकार मर्द को कोड़े मारो। तो बदकारी में औरत का जिक्र पहले है, चोरी में मर्द का जिक्र पहले है कि जुल्म और सितम से मुतालिक जो जरायम हैं वो मर्दों से शुरू होते हैं, बदकारी फहाशी आवारगी के जरायम हैं वो औरतों से पहले शुरू होते हैं। तो आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको खैर का जरिया बनाए, कुरान के खिदमत का, दीन का, आपको अल्लाह ताला घराने ऐसे दे, इसके अल्लाह से दुआ करो जो आपके लिए मुआमिन बने, मददगार बने, आपके दीन के सिलसिलों को आगे चालू करने का जरिया बने और आपके जरिए से आगे हिदायत फैले, रोशनी फैले। और दूसरा अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके अखलाक अच्छे करें, हम सब के अखलाक अच्छे करें, कि इससे बड़ा जेवर कोई नहीं है जो कोई बच्ची पहन के जाती है, इससे बड़ी कोई दौलत कोई नहीं जो किसी बच्चे और बच्ची के नसीब में आती है। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदा तौला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि शाह साहब बेटी की अतौला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत रायपुरी से कहा हज़रत बच्ची की मंगनी कर दी है। तो मौलाना अब्दुल कादर साहब ने पूछा बच्चा कैसा है? कहा जी नमाजी है, नमाजी है, मुतशर्रे यानी दाढ़ी है, नमाजी है। फिर पूछा हज़रत रायपुरी ने शाह साहब बच्चा कैसा है? कहा जी नमाजी है, नेक है, मुतशर्रे है। शाह मौलाना अब्दुल कादर साहब ने तीसरी दफा पूछा शाह साहब बच्चा कैसा है? कहा जी नमाजी है। कहा शाह साहब मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं नमाज नहीं पूछ रहा हूं, घर नमाज से नहीं आबाद होते, घर अच्छे अखलाक से आबाद होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं बच्चे के अखलाक कैसे हैं, घर की आबादी हुस्न अखलाक से है, इबादत से नहीं, हुस्न अखलाक से है। तो अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे और आपको जिंदगी के साथी अखलाक वाले दे। लेकिन आप अपने अखलाक बुलंद कर लो, कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शवी, बेमकारिम अखलाक कुन मुतखल्लिका, लियफूहु नद्दु सनाएक अलअतर शदी, फस्दुक सदीकक इन सदक्त सदाकतन, फदफा अदूवक बिल्लती फइज़ल्लज़ी। ये अलामा दमीरी के बड़े खूबसूरत अशआर हैं कि फरमाया कि अपने अखलाक ऐसे बुलंद कर ले कि तू खुशबू के टीले की तरह महकना शुरू कर दे, जहां होगा तेरी खुशबू महकेगी, यार से यारी निभा, दोस्त से दोस्ती निभा, अच्छे से अच्छा कर, जो बुरा करे उससे भी अच्छा कर, तो बुरे से बुरा भी तेरा सच्चा साथी बन जाएगा। तो हम तुम्हें 5 बरस में किसी को मिले तो उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हुआ? कहा मेरी बख्शिश तो हो गई, दर्जात नहीं मिले। कहा दर्जात क्यों नहीं मिले? कहा मैं गीबत किया करता था, गीबत से नहीं बचता था। तो ये हम लोग जो नेक कहलाते हैं, हमें लोग नेक कहते हैं, ये नेक लोग हैं, ये तबलीग वाले हैं, ये मदरसे वाले हैं, ये पर्दादार बच्चियां, ये मदरसे वाली बच्चियां, हम सब की जो मुश्तरका मुसीबत है वो गीबत, एक गीबत ना करना, एक झूठ ना बोलना, एक चुगलखोरी और गीबत में फर्क है। गीबत तो ये है कि मैं शेख रमजी की बात कारी सलीम साहब से कर रहा हूं जो इनको बुरी लगे वो आगे सुन रहे हो, ये तो है गीबत। चुगलखोरी ये है कि मैं दो आदमियों के ताल्लुक खराब करने के लिए ऐसी बात करूं कि दोनों में नफरत पैदा हो जाए, ये चुगलखोरी है। चुगलखोरी और गीबत का फर्क, नमीमा और गीबत, नमीमा और गीबत। अरबी में चुगलखोरी को नमीमा कहते हैं, गीबत तो दोनों जुबानों में गीबत ही है। नमीमा और चुगलखोरी क्या है?
کہ دو تعلق داروں میں، دو دوستوں میں، دو پڑوسیوں میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں ایسی بات کرنا کہ دونوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے، یہ تو چغل خوری. غیبت عام ہے، ایسی بات کرنا جو مجھے بری لگے، میری پیٹ پیچھے میری ایسی بات کرنا جو مجھے بری لگے، اس میں تعلق کے خراب کرنے کا تصور نہیں ہوتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی تیرے بارے میں مجھے یہ شکایت پہنچی ہے، تو فرمانے لگے یہ بات غلط ہے. کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے ثقہ نے بتایا ہے. ان کا ان الثقہ لا ینم، نہیں مجھے بڑے معتبر آدمی نے بتایا. تو احنف کہنے لگے معتبر آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایسی چپ لگی کہ پھر بولی نہیں. ان کا آپ کہہ رہے معتبر، معتبر آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا. وہیں حضرت معاویہ چپ ہو. تو چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، جہاں جاؤ خدمت گزار بننا، راحت بننا، درد نہ بننا، اور اپنی زندگی میں سادگی رکھنا، پردے کا اہتمام، لباس کھلا رکھنا. آج کی عورت لباس کو تنگ سے تنگ، تنگ سے تنگ کرتے 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 وہ ننگے پن کی طرف جا رہی. یہ شیطان کا جال ہے جو پھیلا ہوا ہے. اس نے پہلے مغرب کی عورت کو ننگا ہی کر دیا، کپڑوں سے ہی نکال دیا، اب وہ مشرق کی عورت کو ننگا کرنا چاہتی. تو چونکہ یہاں کی ایک تہذیب ہے، مغرب کی تہذیب اس نے 100 سال پہلے مٹا دی. ہماری مضبوط تہذیب ہے چونکہ اسلام کی بنیاد پر ہے، تو اس کو ختم کرنے میں اس کو زور لگانا پڑ رہا ہے. تو پہلے وہ ہمارے زمانے میں ٹیڈی لباس ہے، تنگ لباس، تنگ. مجھے یاد ہے اتنے تنگ ہم پتلونے پہنتے تھے کہ وہ ایڑی کے نیچے کاغذ رکھتے تھے، اس کے اوپر سے پہنچا پھسل کے اوپر جاتا تھا، ایسی تنگ. ٹیڈی بوت، ٹیڈی پتلونے، وہ کہ جسم اس میں پھنس جائے. یہاں سے بڑھاتے بڑھاتے پھر مختصر کرنا. اب کرتے مختصر ہو گئے، شلواریں مختصر ہو گئیں، اور پخنوں سے اوپر تک شلواریں جا رہی ہیں، اور بازو ننگے ہو رہے ہیں، گلے ننگے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرما کاسیات عاریات. آپ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوں گی، ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. جنت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں لے سکتی. تو ساری زندگی اپنے پردے کا اہتمام رکھنا. ابھی ایک جماعت یمن سے آئی ہے، ہمارا شاگرد اس میں تھا، مولوی سعید ملتان کا، حضرموت میں سفر کر کے آیا. وہ کہنے لگا میں حیران ہوں، سارے علاقے میں 7 برس کی بچی کو بھی بن برقع کے نہیں دیکھا. 7 برس کی بچی کے بھی دستانے بھی ہوتے تھے، موزے بھی ہوتے تھے، پورا حجاب برقع ہوتا تھا. تو ہم جو کہ مغرب کی لپیٹ میں یلغار میں آ چکے ہیں، تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے پردے کا اہتمام رکھنا، لباس کھلا رکھنا، ڈھیلا ڈھالا رکھنا، اوروں کے لیے اوروں کو موقع نہ دینا تانہ زنی کا، نشتر زنی کا. جتنی ہماری نسبت اللہ رسول کی طرف ہوگی، اتنا ہماری زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوگی. گھر کی خدمت اپنی سعادت سمجھ. اب ظاہری پڑھائی کا وقت ختم ہے، تو اب عملی پڑھائی ہے. گھر میں خدمت، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، بڑوں کی خدمت، اور اپنے نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور چپ رہنے کا عزم، جواب نہیں دینا. ہمارے نبی کی دو باتیں ہیں،